नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीटी ऑर्डर क्या है, जीटीटी ऑर्डर आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल कैसे है। अगर आपका अकाउंट जिरोधा में है या किसी और ब्रोकर में है, अगर वहां पर जीटीटी ऑर्डर है तो जीटीटी ऑर्डर आपके लिए काफी यूजफुल है। देखिए, जीटीटी ऑर्डर लगा करके आप जो है अपने लिमिट प्राइस पर किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो नॉर्मल आप डिलीवरी में पोजीशन लेते हैं तो उस पोजीशन में भी आप जीटीटी ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो जैसे जीरोधा में आते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड खुलेगा आपका, फिर यहाँ पर ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ जीटीटी ऑर्डर पर क्लिक करना है। अलग अलग वीडियो में हम आपको यहाँ पर बास्केट ऑर्डर, SIP, अलर्ट, IPO इन सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे। तो आज हम जीटीटी ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं। जीटीटी ऑर्डर जो कि काफी बेहतरीन जीरोधा का एक फीचर है। जैसे आप जीटीटी ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो न्यू जीटीटी पर आपको क्लिक करना है, फिर जिस इंस्ट्रूमेंट पे आपको लगाना है वो यहाँ पर सर्च करना है। देखिये, यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं। देखिये, यहाँ पर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को सर्च कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाटा एलेक्सी इसी को सर्च कर लिए। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्रिएट जीटीटी आपको मिल जाएगा, तो क्रिएट जीटीटी पर क्लिक कीजिए। देखिए, जैसे क्रिएट जीटीटी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बाय ऑर्डर मिलेगा, फिर एक सेल। तो बाय करना चाहते हैं तो आप बाय ऑर्डर लगाएंगे, सेल करना चाहते हैं तो सेल ऑर्डर लगाएंगे। अब देखिए, जैसे हम पहले बाय ऑर्डर लगाते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं उस पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है सिंगल ऑर्डर, मतलब सिंगल बाय ऑर्डर लगाना है, या यहाँ पर वन कैंसिल अदर। तो यहाँ पर वन कैंसिल अदर यहाँ बाय ऑर्डर में नहीं लगता है, जब हम सेल करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट को तो वहां पे लगता है। आप यहाँ पर बात कर दें कि बाय ऑर्डर में जो हमारा एक ही ऑर्डर क्यों लगता है, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी जब लेते हैं किसी भी स्टॉक में, मतलब लॉन्ग टर्म पोजिशन लेते हैं, चाहे वो आप शॉर्ट टर्म मतलब दो दिन से ज्यादा के लिए हो, तो उसके लिए यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर काम करता है। जीटीटी ऑर्डर के द्वारा आप जिस प्राइस पे आप सेल करेंगे उस प्राइस पे उस स्टॉक को बाय करते हैं, जब वो स्टॉक उस प्राइस पे आएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिगर प्राइस सेट करना होता है कि कौन सा ऐसा प्राइस है जिस प्राइस पे आने के बाद आपका ये जीटीटी ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो जैसे ये 7000 पे स्टॉक्स है, हम चाहते हैं कि 6000 पे आए तो हमारा एक्टिव हो जाए, हम 6000 पे इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। या आप कोई हायर प्राइस ले सकते हैं कि जैसे इसका रेसिस्टेंस लेवल होगा 7500 के ऊपर निकले ये स्टॉक्स तब आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्टॉक जो है मोमेंटम में होगा। 7500 के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस स्टॉक्स को गिरावट में बाय करना, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 6000 के प्राइस पर। तो ट्रिगर प्राइस जो हमारा होगा वो 6000 कुछ दे देते हैं, जैसे 6000 6 रुपीज ले लेते हैं या 7 रुपीज ले लेते हैं। यहाँ 6000 7 रुपीज हम ट्रिगर प्राइस ले लिए, तब फिर हम इसको 6000 पे बाय करेंगे। यहाँ पर ट्रिगर प्राइस सेट करिए कि इस प्राइस पे आएगा तो हमारा ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और 6000 पर प्राइस जब आएगा तो हमारा बाय हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस जो है 6007 पे आया, ऑर्डर आपका एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये 6000 तक नहीं आया, तो आपका जो शेयर है वो बाय नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर आपका लग जाएगा, और वो ऑर्डर जब उस दिन प्राइस ट्रेड करना बंद होगा तो वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जब ये ट्रिगर होगा तो इस प्राइस तक आना भी स्टॉक्स को जरूरी है, तभी आपका शेयर वहां पर बाय होगा, फिर आपको यहां पर प्लेस कर देना है। और ये ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा, 1 साल तक आपका जीटीटी ऑर्डर लगा रहेगा। 1 साल में कभी भी स्टॉक इस प्राइस पे आएगा तो आपका शेयर बाय हो जाएगा। तो चलिए हम प्लेस कर देते हैं। इस तरह से आप जीटीटी ऑर्डर द्वारा किसी भी शेयर को आप अपने लिमिट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। ये तो हुआ बाइंग ऑर्डर, आप सेल कैसे कर सकते हैं जीटीटी ऑर्डर में। देखिए, आप देखिए, मैंने यहाँ से आपको बताया ऑर्डर में जा करके आप कोई स्टॉक्स से ही आप कैसे यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स है उस पे आइएगा तो एक बाय होता है, फिर सेल होता है, एक यहाँ पर मार्केट डिप देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, फिर आप इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट से। फिर यहाँ पर आता है मोर, मोर पे क्लिक करेंगे तो कोई भी स्टॉक्स है उसमें जो मोर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। मोर ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए क्रिएट जीटीटी आपको मिल जाएगा, तो क्रिएट जीटीटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बाय ऑर्डर तो आपने सीख लिया, सेल ऑर्डर पे क्लिक करना है। देखिए, जब आप जीटीटी ऑर्डर में सेल ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ दो टाइप आपको मिलेगा, एक जो ट्रिगर टाइप में मिलेगा, सिंगल ट्रिगर टाइप लगा सकते हैं, मतलब कोई आप टारगेट रखे हैं उसके लिए लगा सकते हैं, या सिर्फ आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। और फिर यहाँ आता है कि दो ऑर्डर आप एक साथ लगाएंगे, दो में से कोई एक ऑर्डर आपका ट्रिगर होता है, मतलब प्राइस एक टारगेट के पास पहुंचता है तो दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप S&P का स्टॉक आप बाय कर रखे हैं उसको सेल करना है और उसमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो एक ऑर्डर होगा स्टॉप लॉस का, एक होगा टारगेट का।
अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो टारगेट वाला ऑर्डर आपका अपने ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर S&P टारगेट को हिट कर देता है, आपका जो भी टारगेट यहाँ पर आप लगाएंगे तो स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना बेहतरीन फीचर है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट ऑर्डर कैंसिल, अगर टारगेट हिट होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप कैंसिल। तो यही हम वन कैंसिल अदर OCO को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर में जो हम ट्रिगर प्राइस लगाएंगे वो करेंट प्राइस से नीचे होना चाहिए। मतलब इस ऑर्डर में आप समझ के चलिए कि स्टॉक्स आपके पास पहले से है और आप जो है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कि इस प्राइस के नीचे जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। मतलब आपके पास वो स्टॉक किसी भी प्राइस पे बाय करके रखा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, बस यहाँ पर अभी जो करेंट प्राइस है 3155 रुपया, इसके नीचे आपको लगाना है जिस प्राइस पे भी आप लगाना चाहते हैं। तो देखिए जैसे 2997 रुपया है, हम इसी को रहने देते हैं। इसको जैसे हिट करेगा हमारा ऑर्डर जो एक्टिव हो जाएगा, फिर हम स्टॉक्स को जब सेल करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर है तो इसके नीचे सेल करेंगे तो हम दे देते हैं 96 रुपीज या मान लेते हैं 95 रुपीज पे हमारा सेल होगा और ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ये एक्टिव हो जाएगा 97 रुपया पर। फिर यहाँ पर टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट हमें रखना है कि हम 4000 रुपया पे जो स्टॉक्स है उसको बेचना चाहते हैं, मतलब 4000 के ऊपर। तो हमारा जो ट्रिगर प्राइस होगा 4000 होगा और जो हमारा स्टॉक सेल होगा वो 4005 रुपीज पे होगा। देखिए यहाँ 4005 रुपीज पे हो गया क्योंकि टारगेट तो हमारा ऊपर का प्राइस होगा जो करेंट प्राइस है 3155 रुपया और जो स्टॉप लॉस प्राइस होगा वो हमारा नीचे का प्राइस होगा। तो स्टॉप लॉस में यहाँ नीचे का प्राइस सेट करना है और टारगेट प्राइस में ऊपर का प्राइस सेट करना है। फिर यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट वाला ऑर्डर दोनों एक साथ एक्टिव होगा। जैसे ही स्टॉक प्राइस किसी एक के पास पहुंचता है तो दूसरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम प्लेस कर दिया ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए एशियन पेंट का ये GTT ऑर्डर प्लेस है, OCO मतलब वन कैंसिल अदर, इसमें दो ऑर्डर होगा। देखिए यहाँ पर ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है 2997 है, दूसरा का ट्रिगर प्राइस 4000 है। फिर टाटा एलेक्सी का बाय ऑर्डर लगाए थे, इसका ट्रिगर प्राइस 6007 रुपीज है। यहाँ पर दोनों ऑर्डर जो हमारा लग चुका है। इस तरह से GTT ऑर्डर आप लगा सकते हैं। मार्केट जितने समय तक ओपन रहता है आप उतने समय तक मार्केट में अगर एक्टिव नहीं रहते हैं, अगर लगता है कि स्टॉक कभी गिरे तो हम बाय कर सकते हैं उसको इस प्राइस पे, तो आप GTT ऑर्डर क्रिएट करके रख सकते हैं जिससे आपके अकाउंट में अगर रुपया रहता है तो खुद ब खुद यहाँ पर शेयर बाय हो जाएगा। और साथ ही साथ GTT ऑर्डर उस स्टॉक्स में भी आपके लिए काफी बेहतरीन काम करेगा जो कि अपर सर्किट के साथ चलता है। आप GTT ऑर्डर लगा देंगे तो अगले प्राइस पर मतलब किसी सर्टेन प्राइस पे आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाएगा वैसे स्टॉक में जो कि फंडामेंटली काफी सॉलिड है और वो सर्किट के साथ ऊपर जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो आपके लिए हम इस चैनल पर लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।